वहीं बहराइच से एक और बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है। जी हां, जो तेंदुए लगातार आपको बता दें, तेंदुए के आतंक से वहां लोग परेशान थे, वहीं अब तेंदुए की मौत की खबर की सामने आई है, जहां वन विभाग जो है उसको लेकर हड़कंप मच गया है वन विभाग में। साल 2024 में आपको बता दें लगातार खबरें सामने आ रही थी, लगातार बाघ और तेंदुए की मौत से वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। कार्तिनिया घाट से ये मामला सामने आया, आपको बता दें कल भी इसको लेकर एक जो खबर थी वो सामने आई थी, जिसमें तेंदुए ने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अब जो तेंदुए है उसकी मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तो आपको बता दें इसकी सूचना के बाद जो वन विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। साल 2024 बाघ और तेंदुए की लगातार मौत की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार बाघ और तेंदुए की मौत से वन विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो ये जो खबर है ये मूर्तिया वन विभाग की है, बहराइच में तेंदुए की मौत से वन कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार आपको बता दें तेंदुए के आतंक की खबरें सामने आ रही थी, वहीं अब इस बीच तेंदुए की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं इस खबर के बाद जो वन विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची है। लगातार बाघ और तेंदुए की मौत से वन विभाग में मचा हड़कंप। तो वहीं कहीं ना कहीं वन विभाग पर लापरवाही के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो तेंदुआ है, अभी इससे पहले आपको बता दें काफी समय से तेंदुए के आतंक की खबरें सामने आ रही थी, इसी बीच जो तेंदुआ है उसकी मौत की खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बहराइच से दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए ईसा, बहराइच के कतरनिया घाट सक्तूरी क्षेत्र में लगातार जो है वो चीतों के और उनके शावकों के और तेंदुओं के जो है वो मृत शरीर का मिलना लगातार जारी है। अभी दो दिन पहले कतरनिया घाट क्षेत्र में एक जो है पानी में एक तेंदुए का शव मिला था, उसकी जांच अभी चल ही रही थी कि आज सुबह जो है एक तेंदुए का शव मिलने के बाद जिले में लगातार जो है हड़कंप मच गया है और सूचना मिलने पर वन के अधिकारी जो है वन विभाग के वो सब मौके पर रवाना हो गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये मूर्तिहा रेंज के पास लाल बोझा गाँव के पास एक पुरवा चमारन पुरवा है, वहां के ग्रामीणों ने सुबह जो है खेत में जो है तेंदुए के शव को देखा है। और ये बताया जा रहा है कि तेंदुए को देख करके ये लग रहा है कि जो है उसके शरीर पर काफी घाव भी हैं, तो ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो शिकारियों के हाथ में आ गया या इस तरीके की कोई घटना हुई है। लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार जिस तरीके से तेंदुए के शव और बाघों के शव जो है वो कतरनिया घाट रेंज में मिल रहे हैं, लगातार चिंता का विषय है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि सूचना मिली है, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और DFO भी मौके पर जाने के लिए रवाना हो गए हैं, और तेंदुए के मौत के कारणों की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। जांच की जा रही, जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि ऐसी स्थिति या तेंदुए का शव जो है वो किस तरीके से बरामद हुआ है। जी तो दिवाकर, लगातार जो ये खबरें हैं ये सामने आ रही हैं, इससे पहले भी जो तेंदुए थी उसकी मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन जो वन विभाग है अभी तक कोई सख्त रुख नहीं अपनाया है वन विभाग ने। देखिए ईसा, वर्ष 2024 में बाघ और तेंदुओं की मौत का ये तीसरा मामला कतरनिया घाट रेंज में है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसे लेकर के लगातार गश्त भी होती है, लेकिन फिलहाल वन विभाग के पास ऐसी फिलहाल कोई पुष्ट जानकारी या कोई पुष्ट सबूत नहीं मिल पाया था जिसके कारण किसी के खिलाफ भी जानकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाए। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच भी चल रही है, लगातार भीड़ की गश्त भी की जा रही है, लेकिन ये जो है दो दिन पहले पानी में शव का मिलना, फिर आज सुबह जो है खेत में तेंदुए का शव मिलना, निश्चित रूप कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में आ रहा है कि आखिर इस तरीके की मौतें क्यों हो रही हैं। लेकिन फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, उनका कहना है कि जैसे ही जांच पूरी होगी अगर किसी भी प्रकार के किसी के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं या जो भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।